नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे मना रही है। 24 दिसंबर की शाम से इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। इस बार क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन कोरोना महामारी के कारण कुछ अलग है। कोरोना ने दुनिया को बदल दिया है, फिर फेस्टिवल बनाने का अंदाज कैसे ना बदलता। क्रिसमस की रौनक दुनिया भर में है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखकर ही हर जगह क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार इस बार किस अंदाज में मनाया जा रहा है। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर सिलीगुड़ी सज धज गया है। तो उस सिलीगुड़ी को पहचानने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना हम लोग को, इतना अच्छा लग रहा है हम लोग इधर आके। तो हम लोग सभी मिल के सेल्फी भी ले रहे हैं। आज हम क्रिसमस ईव मना रहे हैं, क्योंकि कल क्रिसमस में जो भी हमारे पादरी लोग होते हैं, जो भी क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो अपने अपने क्रिश्चियन से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ इसको एक अच्छी लेवल पर बनाना चाहते थे, क्योंकि आप हमने इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी बना के रखा है, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम भी है, हमारा जो कैरल्स है, बाकी चीज़ें हैं। हमारा ये मकसद एक ये है कि हम क्रिसमस भी मनाएं, इसकी खुशियाँ मनाएं और खुदा से दुआ करें कि ये हमारे लिए एक खुशहाली का साल लाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर टूरिज्म एंड SKIC ने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे हम डिफरेंट रिलीजन के लोग आके क्रिसमस मना रहे हैं। एंड कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हो गए, उसके बाद एक ऐसा इवेंट होना ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। हाँ जी, हर एक फेस्टिवल पे हम कश्मीरियों की एक खासियत है कि हम हर एक फेस्टिवल में मिलजुल कर उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो बेशक वो ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, तो हम सारे ही फेस्टिवल्स एक साथ मनाते हैं।